नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में नए पायलट आ चुके हैं। जी हां, सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी बने हैं और उनके प्रदेश प्रभारी बनने के बाद छत्तीसगढ़ का उनका यह पहला दौरा है। पहले दौरे का दूसरा दिन और दूसरे दिन कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्लान 2024 पर मंथन किया गया, साथ ही पार्टी में अंतर कलह को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में प्लान 2024, सचिन पायलट ने चुनाव समिति की बैठक में मंथन किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी में अंतर कलह को लेकर कहा कि पार्टी में अंतर कलह नहीं है। नेताओं में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, वरिष्ठ नेताओं की सहमति से जीतने वालों को टिकट देंगे, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा से पहले संगठन में नई नियुक्तियां संभव हैं, जरूरत होगी उन पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। व्यक्तिगत राय हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मिनिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। जो भी व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा आम राय से, सर्वसम्मति से, उस व्यक्ति को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देश नौजवान है, छत्तीसगढ़ नौजवान है, मतदाता नौजवान है, तो नौजवानों को और मौके मिलने चाहिए। इसी मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है सबकी सहमति से हम अच्छे निर्णय लेंगे। हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूं और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लड़कर आगे बढ़े, चुनाव जीतें और कांग्रेस को मजबूत करें। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पायलट भले बदल गया हो, गाड़ी वही पुरानी है। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, पायलट बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक धरमलाल कौशिक ने पायलट के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 की 11 सीटें जीतेगी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते ये देश और देशवासियों का विरोध करने लगे हैं। गाड़ी तो वही है, पायलट भी बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। सपना देखते रहे, सचिन पायलट जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली बार उनकी सरकार रही और उनका खाता नहीं खुला लोकसभा में, तो जो राजस्थान में लोकसभा में खाता नहीं खोल पाए वो छत्तीसगढ़ में क्या खाता खोलने की बात करेंगे। कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर के संकट की स्थिति है और प्रत्याशी तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं जीत और हार की स्थिति। तो चाहे पीटे हुए चेहरे हो चाहे नए चेहरे हो, इस बार की लोकसभा के चुनाव में सभी पीटे हुए रहेंगे और उनके खाता नहीं खुलेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शैलजा को हटाकर पार्टी ने पायलट को पार्टी की उड़ान की जिम्मेदारी दे दी है। सिर पर लोकसभा चुनाव है, अब देखना होगा कि पायलट का प्लान 2024 काम करेगा या फिर फेल होगा। इसके लिए इंतजार कीजिए, जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए इसी मामले पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं और अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी की तरफ से भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो चौहान साहब, मैं आप ही के पास आता हूँ। ये पायलट साहब आ गए हैं और नई ऊर्जा के साथ वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी निजी राय तो ये है कि मैं युवा जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं, उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो क्या माना जाए कि अब छत्तीसगढ़ में युवाओं को ज़्यादा मौके मिलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सचिन पायलट जी नहीं, राहुल जी ने भी इस मामले में कई बार बयान दिया है कि, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कहते हैं कि हमारे पास अनुभव है और युवाओं को हमको अब आगे लाना है, और लगातार युवाओं को तरजीह भी दी जा रही है।
पायलट जी इसी बात को कह रहे थे कि और अधिक युवाओं को हम अवसर देंगे और अधिक युवाओं को आगे लाएंगे। और कांग्रेस में जो कई ऐसे चेहरे हैं जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और इन अनुसांगिक संगठनों से निकले हैं और बहुत अनुभवी, बहुत तेज तर्रार और वर्तमान राजनीति को समझने वाले हैं, जिसमें कहना चाहिए छद्म राष्ट्रवाद, छद्म जो धार्मिक कट्टरता की राजनीति चल रही है, इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन युवा नेताओं को आगे लाने की बात की है और निश्चित रूप से ऐसे युवाओं को आगे जाने का मौका मिलेगा। और सचिन पायलट जी बहुत अनुभवी नेता है, ठीक है, आप अनुभवी नेता की बात कर रहे हैं, कुछ अनुभव का जाहिर तौर पर राजस्थान के अनुभव का फायदा शायद यहां पर मिल पाए। लेकिन राजीव जी क्या कहना है, आप तो कह रहे हैं कि पायलट बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी तो वही है। सचिन पायलट साहब राजस्थान में अपनी फ्लाइट को टेस्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, वहां पर हो चुका है, इसके पहले भी जिन राज्यों में वो प्रभारी थे वहां पर भी क्रैश लैंडिंग हुई है या डिलेड हो गया, पूरी की पूरी फ्लाइट डिलेड हो गई है। हम शुभकामना देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि अतिथि देव का स्वागत करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के जिस प्रकार से आधा प्रवाह लोगों ने इस्तीफा दिया, लोग अपने पदों से इस्तीफा दिए, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए, तो उभर जाए। कांग्रेस पार्टी में अमरजीत भगत ने कहा कि सारे लोग खुद चुनाव लड़ रहे थे, हमारी किसी ने सुध नहीं ली, उस बात का संज्ञान ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी में जो महंत थे राम सुंदर दास जी, जो 65,000 वोटों से हारे, उन्होंने अपनी व्यथा कथा कही और पार्टी के इस्तीफा दे दिया। तमाम लोग तो आप ये कह रहे हैं कि जहाज डूबने वाला है, आप ये कह रहे हैं कि जहाज डूबने वाला है, पायलट कैसे बचाएंगे? चौहान साहब, एक तो ये है कि सचिन पायलट जो हैं उनका जब भी जिक्र आता है तो राजस्थान की अंतर्कलह, कांग्रेस के भीतर की नाराजगी और सीएम की कुर्सी पर कौन दावेदार था, ये सारी बातें अब तो आपकी सरकार नहीं है लेकिन सारी बातें राजस्थान कांग्रेस के लिए निकल कर सामने आती हैं। और पायलट साहब अब छत्तीसगढ़ में कमान संभाल रहे हैं, अंतर्कलह की बात कर रहे हैं कि अंतर्कलह नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता दंभ की भाषा बोल रहे हैं, जो इनको अहंकार आ गया है और इस कदर अहंकार आ गया है कि ये शंकराचार्यों को धर्म विरोधी बताने लगे हैं। जो मीडिया समूह, जो धर्म आचार्य, जो राजनीतिक दल इनका विरोध करता है वो या तो राष्ट्रद्रोही हो जाता है या तो ईडी सीबीआईटी आईटी इनके वो काल का गाल बन जाता है। मतलब ओवरऑल में इनको सिर्फ दमन की राजनीति करनी है, अहंकार की राजनीति करनी है। रहा सवाल पायलट जी के अनुभव का, तो मैं आपको बता दूं, ओम माथुर जी भी यहाँ जब प्रभारी बन के आए उसके पहले वो 3 स्टेट हार के आए थे। चुनाव में हार जीत के पैमाने को किसी व्यक्तिगत किसी नेता के अनुभव से, उसकी कुशलता से नहीं तोड़ना चाहिए। सचिन पायलट जी बहुत अनुभवी नेता है, राजस्थान में एक बार जीते एक बार हारे, कई इनके भी बड़े बड़े लीडर वहां हारे, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर जो देश का प्रधानमंत्री बना वो भी ग्वालियर में हारे। तो देखिए, हार जीत का ये जो पैमाना है, कभी किसी को बहुमत मिल गया, हम तो नहीं कह रहे हैं कि साहब कैसे धर्म का खेल खेला आपने, कैसे ईडी आईटी को आपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किया, कैसे कुछ गोदी मीडिया को आपने इस्तेमाल किया, कैसे होर्डिंग बैनर की आपने राजनीति की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई, हम तो इसकी बात नहीं कर रहे। हम तो हार गए साहब, हम विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका अच्छा, निभाएंगे। अच्छा, 24 का रण है, कितनी सीटों का प्रण है, किस बात का जी? 24 के रण में छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों का प्रण है? देखिए, 24 के रण में कांग्रेस अधिकतर सीटें यहां जीतेगी। आप देखिएगा जिस तरह से हसदेव अरण्य में अभी आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, जिस तरह वनांचल के लोगों का शोषण बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक हो रहा है, मैदानी इलाकों में अपने वादे जो मोदी की गारंटी 2014 से अभी 23 के चुनाव तक, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, चाहे अराजकता का मामला हो, चाहे 2-3 पूंजीपतियों को लाभ देने का मामला हो, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बेचने का मामला हो, जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है। लगातार ये बैठके करते हैं और जिसके लिए वादा किए थे कि फर्स्ट कैबिनेट में करेंगे, वो एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। तो आप देखिएगा, हम 11 की 11 सीटों पे बहुत अच्छी टक्कर देंगे और अधिकतर सीटें, खासकर 6 से 11 पर मिलेगी। राजीव जी, अधिकतर सीटें कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इतना है। आप हालांकि 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करते हैं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस है, ये आप ही बताएंगे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी का है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप 1990 से लेकर आज तक देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे हमारा निम्न प्रदर्शन था, हम 8-13 सीट जीते थे 11 में। अच्छा, और ताकतवर हो रहे हैं क्या, ये भी बता दीजिए, जोगी जी साथ आ रहे हैं क्या? अभी तो मुलाकात की ना,
राजनीति भविष्य का खेल होता है, भविष्य क्या होता हमको नहीं मालूम, लेकिन 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे जो इतिहास रहा है। हम कभी 9 सीटें जीते हैं, कभी 10 जीते हैं 11 में, कभी 8 जीते हैं। जब हमारा सबसे कमजोर प्रदर्शन था हम 8 सीटें जीते थे, और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन था जब हम 10 जीते थे। ठीक है, तो ये पिछले 25 वर्षों का सिनेरियो है। तो पिछले 25 वर्षों में जब हम केवल 2 या 3 सीटें हारते थे, आप मतलब रिकॉर्ड का हवाला दे रहे हैं कि हमारा पिछला रिकॉर्ड, इतना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है। ठीक है, इस ट्रैक रिकॉर्ड को कितनी टक्कर मिल पाती है, नए प्रभारी जो आए हैं उनसे देखना होगा, क्योंकि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ का इतना खास रिश्ता हो गया है कि दोनों प्रभारी जो हैं राजस्थान से आते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर की बात करते हैं। उज्जैन से खबर है जहां पर 10 भुज गणेश मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर में मिनी स्कर्ट फटी जींस पहनने पर बैन लगा दिया गया है। पुजारियों ने मंदिर के बाहर इसको लेकर बोर्ड लगा दिया है। 10 भुजा वाले मंदिर समिति का यह फैसला लिया गया है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर में सेल्फी लेने पर भी रोक लगा दी गई है। देख सकते हैं यहां पर बैनर जो है वो बाहर लगा दिया गया है और यह फैसला ले लिया गया। मिनी स्कर्ट में कोई दर्शनार्थी आता है तो उसको अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फटी जींस में आता है नहीं दाखिल होने दिया जाएगा, फालतू बैठना मना है। देख लीजिए लिखा हुआ है। कुछ संस्कार अपने सनातन जो धर्म है उस हिसाब से हमने बोर्ड लगाया है कि कैमरे में फोटो खींचना, मोबाइल से भगवान को फोटो खींच रहे वहाँ तक ठीक है, लेकिन कुछ सेल्फी होकर खींचते हैं वो सेल्फी लेना गलत है। दूसरा कपड़े जो पहन कर आते हैं, चाहे जैसे कपड़े मतलब लड़की जा साड़ी में आए सूट में आए वहाँ तक उचित है, लेकिन अपन जींस टॉप स्कर्ट कुछ तो भी पहन कर आ रहे हैं तो वो मंदिर में आना उचित नहीं है। उस चीज़ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, धर्म नगरी उज्जैन को कहा जाता है और यहां पर एक मंदिर से इसकी शुरुआत अगर हुई है तो क्या माना जाए, कैसे इसे लिया जा रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और क्या दूसरे मंदिर भी इसे लागू कर देंगे? ये देखिए, उज्जैन का प्राचीन मंदिर है, ये 10 भुजा मंदिर है गणेश जी का, ये शमशान घाट में स्थित है। यहाँ पर जो है जो युवा और युवती जो आते हैं वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो पहन के नहीं आते हैं, फटी हुई जींस और इस टाइप के कपड़े पहनकर मंदिर में आते हैं और उसका जो है सेल्फी भी लेते हैं। तो इसको लेकर मंदिर के पुजारी ने बाहर एक पोस्टर लगा दिया है कि कोई भी सनातनी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो वो लोग जो है मंदिर सनातनी कपड़ों के साथ ही जो है ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है वो पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें, जिससे सनातन की मर्यादा बनी रहे। तो इसको लेकर जो है मंदिर के पुजारी ने वहां पर पोस्टर लगाया है और साथ कहना है कि जिस तरीके से जो आज के जमाने में जिस तरीके से युवक और युवती जो कपड़े पहन रहे हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध है, तो उसी को देखते हुए उन्होंने जो पोस्टर लगाया है और उनका निवेदन भी किया है। कई लोग उनका कहना भी मान रहे हैं, पर जितने लोग आते हैं उनको पोस्टर पढ़ के और उनको याद दिलाया जाता है कि आप इस तरीके के कपड़े पहन के मंदिर में ना आए। अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के गलती से पहुंच जाता है जिसको ज्ञान नहीं है और वो पहुंच जाता है तो क्या उसको दर्शन करने से रोका जा रहा है? मंदिर के पुजारी का यही कहना है कि कोई यदि इस तरीके के कपड़े पहन के आ जाता है तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है कि अगली बार आप कभी भी आए तो इस तरीके के कपड़े पहन के ना आए, आप मंदिर में आ रहे हैं तो कम से कम हिंदू सनातन धर्म का ख्याल रखें और इस जो ड्रेस होती है वो ड्रेस कोड पहन के ही आप जो पहनकर मंदिर में प्रवेश करा कर। और बाकी मंदिरों, क्योंकि उज्जैन तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है, कहा जाता है कि अगर आप एक बुरा चावल लेकर जाएं और एक एक मंदिर में चढ़ाएं तो मंदिर खत्म नहीं होंगे, आपका जो अक्षत है वो खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या दूसरे मंदिर जो हैं वहां पर भी यही इसी परंपरा को लागू किया जाने की बातचीत है क्या, चर्चा है क्या? जी देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हमने पहले भी कई बार दिखाया है कि कई बार कोई श्रद्धालु ऐसे आ जाते हैं जो कुछ अलग तरीके के कपड़े पहन के आ जाते हैं जिसके कारण मंदिर में माहौल खराब होता है, जिसको देखते हुए वहाँ के पंडित पुजारियों ने कई बार इस विषय पर बात उठाई है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को एक ड्रेस कोड की भी बात की जाए। पर अभी मंदिर समिति ने पिछली बार भी जो बैठक की थी उसमें कहा था कि जब भी गर्भगृह से दर्शन होते हैं तो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा जिसमें धोती शोला पहन के ही जो श्रद्धालु गर्भगृह में जाया करेंगे, इसके साथ ही जो महिलाएं वो साड़ी पहन के गर्भगृह में जाया करेगी। तो अभी फिलहाल गर्भगृह बंद है तो ड्रेस कोड वाला तो ऐसा कोई विषय नहीं है, पर जिस दिन भी गर्भगृह चालू होगा तो एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा
फिलहाल जो नॉर्मल कपड़ों में जो श्रद्धालु आते हैं उनको मंदिर में जाने से किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। चलिए बहुत शुक्रिया आ जाए आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ड्रेस कोड जैसी बात सामने आ रही है और 10 भुजा गणेश मंदिर समिति का यह फैसला यहाँ पर सामने आया है। ये शमशान घाट में 10 भुजा गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर यह फैसला ले लिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरियंट JN1 की एंट्री हो चुकी है। तो JN1 की एंट्री हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सलाह दी जा रही है। राज्य महामंत्री नियंत्रक डॉक्टर DK तुर्रे ने सलाह दी है कि सावधानी बरती जाए, लक्षण नजर आने पर जांच और इलाज कराएं। नए वायरस से कोई खतरा नहीं है लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरियंट JN1 की भी एंट्री हो गई है। एम्स की वायरोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। एम्स रायपुर की वायरोलॉजी विभाग की लैब में 40 से ज्यादा मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई थी। इसमें 2 दर्जन से अधिक मरीजों में नए वेरिएंट्स मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। इसके साथ ही OPD में जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। सैंपल्स है जो हमने रेंडमली भेजे थे 48 सैंपल 5 दिसंबर से 11 जनवरी तक के, उसमें 25 ऐसे पाए गए हैं वेरिएंट जो ओमिक्रॉन JN1 के थे, जो लेस वेरुलेंट है और ये कोरोना का ही एक वेरिएंट होता है जो हमारे अन्य राज्यों में भी है ये वेरिएंट, और इसके लिए शासन ने पूरी सतर्कता और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल के रूल्स है वो उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि 24 घंटे में 4,714 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 0.38% तक पहुंच गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के 112 एक्टिव मरीज हैं। इसमें सबसे अधिक मरीज रायपुर में मिले हैं। रिपोर्ट न्यूज 18। तो ऐसे में अब करना क्या चाहिए, JN1 अगर आ गया है तो करना क्या चाहिए, स्वास्थ्य विभाग क्या सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो सलाह दे रहा है वो हम आपको अब एक एक करके बताते हैं। राज्य महामारी नियंत्रक डॉक्टर DK तुर्रे की तरफ से सलाह दी गई है। देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सलाह है, राज्य महामंत्री नियंत्रक डॉक्टर DK तुर्रे ने सलाह दी है कि करना क्या चाहिए जब ऐसे वायरस जो है अगर फैल रहा है तो क्या किया जाना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए, लक्षण अगर नजर आते हैं तो आपको जाँच कराना चाहिए और इलाज भी लेना चाहिए। नए वायरस से कोई खतरा नहीं है, ये भी डॉक्टर DK तुर्रे की तरफ से कहा गया है कि खतरा नहीं है नए वायरस की तरफ से और केवल सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं अगर कहीं गलती से तो आपको सावधानी बरतना है क्योंकि इससे कोई खतरे की बात नहीं है, ये उतना नया वायरस जो है इतना खतरनाक नहीं है। इसके अलावा अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट जो जानकार हैं वो क्या कहते हैं, वेरिएंट जरूर मिला है लेकिन घबराए नहीं। देखिए वही बात जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही जा रही है वही यही कही जा रही है, अभी तक मिले मरीजों में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्योंकि इसके पहले जो कोविड के वेरिएंट थे वो थोड़े से घातक थे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं सांस लेने में तकलीफ वाले इक्का दुक्का मरीज ही हैं, कुछ एक मरीज ही हैं जो सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही है और सभी मरीज, ये ऐसे मरीज भी, सभी मरीज खतरे से बाहर हो चुके हैं और वेरिएंट ज्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन करना क्या चाहिए, स्वस्थ लोगों में ये वेरिएंट ज्यादा प्रभावी नहीं है लेकिन मरीजों को सावधानी जरूर रखनी चाहिए, अतिरिक्त सावधानी और परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के अन्य राज्यों में भी यही ट्रेंड देखने को आया है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसके अलावा नए वेरिएंट JN1 के लक्षण क्या हैं, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स जो हैं उनका हमने आपको बता दिया लेकिन साथ ही साथ लक्षण क्या हैं JN1 के, लक्षण देखिए, लक्षणों के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या लक्षण है। बुखार,
बहती नाक, गला खराब होना, सिरदर्द होना, ज्यादा थकान लगना अचानक से, और कुछ मामलों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं, थकावट और मांसपेशियों में कमजोरी तक महसूस की जाती है। डॉक्टर लवलीन मंगला पल्मोनोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक नया वेरिएंट सामने आया है और हमने देखा कि इसके पहले कोरोना की जो लहर या वेव्स आई थी कितनी खतरनाक थी और कितना नुकसान हुआ था, लेकिन अभी नया जो वेरिएंट है इसके बारे में क्या क्या जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आई? डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। हाँ जी जी, आपकी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब, मिल रही है आपकी आवाज, मैं माफी चाहूंगा। जी जी, बताइए थोड़ा सा इस वेरिएंट के बारे में बताइए सर। जो ये वेरिएंट है पुराने वेरिएंट की तरह, जो घातक वेव आई थी उसके बाद भी कई वेरिएंट आए हैं, तो JN1 जो ये भी वेरिएंट आया है ये भी एक तरह से माइल्डर ही है, या माइल्डर कह लीजिए या कह लीजिए कि हमारे अंदर काफी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट डेवलप हो चुकी है। तो इसमें ज्यादातर दिक्कत है, हमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, पर थोड़ी सी खांसी बुखार कुछ लोगों में पाया जा रहा है, लेकिन वो माइल्ड डिजीज की तरह ही आ रहा है। कोई ऐसी जरूरत नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से हमारे जिस तरह हॉस्पिटल भर गए थे, ICU की जरूरत पड़ रही थी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, वो वाली समस्या नहीं आ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हो रही है, कुछ 1% मरीज है जिनको ये समस्या हो रही है, जैसे जो हमारे पहले से जिनको कोई डायबिटीज है, किडनी की डिजीज है, हार्ट की डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, जो पहले से ही उनका शरीर कमजोर है, उस तरह के लोगों को जरा ध्यान अपना रखना जरूरी है। वो ये ना समझे कि हमें नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि अपनी वैक्सीनेशन, जो आपकी बूस्टर डोज भी है, वो भी आपकी पूरी होनी जरूरी है। ये बूस्टर डोज की अगर आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं तो ये भी समझना चाहेंगे कि वो गैप जो है, अगर किसी ने बूस्टर नहीं लगवाया, बहुत बड़ा गैप हो गया, तो अब ये बूस्टर क्या काम करेगा, बूस्टर का ही काम करेगा या फिर वापस दोनों वैक्सीनेशन उसके बाद बूस्टर लगवाना होगा, ये भी लोगों को थोड़ा समझाइए। अभी बस एक बूस्टर ही लगवाएंगे तो उसी से ही काम हो जाएगा। उसी से काम हो जाए। एक चीज और सर, म्यूटेशन के बारे में कहा जाता है कि ये जैसे जैसे म्यूटेट होता है, नया नया रंग रूप इसका सामने आना शुरू हो चुका है। JN1 हो गया, अब इसके बाद कुछ और भी बातें सामने आई हैं। इंदौर से एक मामला आया, वहां पर कुछ एक नया वेरिएंट की बात भी कही गई निजी लैब में। तो ये म्यूटेशन जैसे होता है तो ये आगे क्या और खतरनाक हो सकता है, ज्यादा फैलेगा तो म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ती है? बिल्कुल जी, म्यूटेशन से वैसे तो जैसे चांसेस, तो म्यूटेशन अगर हम वर्ड सुने तो हमें सुनने में ये लगेगा कि आप जैसे आप मुझसे पूछ रहे कि इन्फेक्शन क्या, कई बार कोई खतरनाक इन्फेक्शन आ सकता है, लेकिन इस तरह से पहले भी, एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम बहुत कॉमनली आजकल जानते हैं, उसमें भी इस तरह से भी पहले भी एक बार ऐसी सब दिक्कत हुई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम का 1913 के आसपास, तो उसने भी इस तरह से ही तबाही मचाई थी। लेकिन अगर उसमें भी अगर आप सोचेंगे तो उसके बाद भी आज इन्फ्लुएंजा काफी कम है और उसके केसेस कम है। कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हमने अपनी इम्यूनिटी कितनी डेवलप कर ली है, चाहे वो इन्फेक्शन से चाहे वो वैक्सीन से, और आगे आगे म्यूटेशन भी होते हैं तो चांसेस कम ही है कोई इस तरह के चांसेस वो हो कि जिससे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो और ज्यादा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।